कक्षा 11वीं गणित मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को सम्मिश्र संख्याएं का पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें इसका इकाई का घनमूल है, इसमें भाग 13 है, इसका पहला भाग दे चुका हूं मैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन से ये दिया हुआ है। इकाई का घनमूल ओमेगा हो तो सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध करना है। इकाई का घनमूल होने का मतलब ये होता है कि ओमेगा क्यूब का मान जो है वो 1 हो जाएगा और ओमेगा की घात 4 का मान जो है वो ओमेगा हो जाएगा, ऐसे ही ओमेगा की घात 5 का मान ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं इसमें करके क्या होता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 5 है, प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, इसकी पावर 5 है। चलिए इसमें क्या करते हैं, पहले 1 प्लस ओमेगा जोड़ लेते हैं तो माइनस का 2 ओमेगा हो जाएगा, इसकी पावर 5 होगी, प्लस ऐसे 1 प्लस ओमेगा इसमें ओमेगा स्क्वायर जोड़ लेते हैं तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा यहाँ और पावर 5 है। चलिए देखिए ये तो 0 हो गया, माइनस का 2 ओमेगा है, इसकी पूरे की पावर 5 हो गई और प्लस इसमें भी 0 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर है, इसकी पूरे की पावर 5 हो गई। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 की घात ये पावर माइनस की है तो माइनस आएगा एक तो, और 2 की घात 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, हाँ 32 होगा और ये ओमेगा की घात 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपकी विषम पावर है तो माइनस ही रहेगा, माइनस का ये 32 हो जाएगा और ओमेगा की घात 5 दुनी 10 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 32 है, ओमेगा की घात 5 का मैंने बताया था मान ओमेगा स्क्वायर होता है तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर कर दीजिए, माइनस ये 32 है, ओमेगा की घात 10 का मतलब ओमेगा क्यूब घात कितना रहेगा 3 दिया ना और 1 ओमेगा और आ जाएगा। तो देखिए माइनस का 32 हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस का 32 है, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा बच्चों, तो ये कितना हो गया कुल मिला करके माइनस का 32 ओमेगा हो जाएगा, माइनस का 32 ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस का 32 ओमेगा हो गया। अब इसमें से क्या करना है आपको, माइनस 32 कॉमन लेना है, या इस पैसे करिए 32 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, इसमें इसमें बच जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और माइनस का ओमेगा बच जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं, इसमें 32 कर दिया आपने, इसमें से माइनस इन कॉमन ले लेते हैं, माइनस इन कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें 1 हमने माइनस का 1 ज्यादा कर दिया तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 32 और यह 1 माइनस 0 यानी कुल मिलाकर के ये 32 आ जाएगा और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है और यही सीट होता है, तो कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ध्यान रखना बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है और ऐसा आपको बनाना पड़ेगा हर एक जगह हर एक क्वेश्चन में। चलिए ये एक और प्रश्न आ रहा है आपका, इसमें सिद्ध करना है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 है और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 है, बराबर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा की घात 4। चलते हैं इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले है लेफ्ट हैंड साइड कितना है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी घात कितनी है 3 है, क्या है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी घात 8 है। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये पहले इसको 1 प्लस 1 कर देते हैं और प्लस का ओमेगा है, प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी घात कितनी हो गई 3 हो गई। यहाँ पर भी ऐसे करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस के कितने पड़ेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा इसमें, इसकी घात कितनी होगी 8। चलिए देखते हैं आगे, इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान तो 0 हो जाएगा तो 1 प्लस 0 की घात 3 हो गई और प्लस यहाँ देखिए कितना है
ये भी हो जाएगा 0 माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की घात कितनी हो गई 8। तो इसमें आप देखिए ये तो 1 था, क्यूब 1 ही रह जाएगा और ये पावर समय, तो समय तो ये 10 की रह जाएगी, 2 की घात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा ओमेगा की घात 16 हो जाएगी। बीच में बच्चे ये गुणा का चिन्ह चल रहा था। चलिए ये हो गया आपका, 1 से गुणा करेंगे तो कितना रह जाएगा, तो 1 × 2 की घात 8 कितना होता है 256 होता है और ओमेगा की घात 16 को जरा चेक करिए, ओमेगा क्यूब तो 3 × 5 = 15 5 हो जाएगा और 1 = 16। ये 16 हो गया आपका, ये हो गया 256 और ये 1 × 5 और ये ओमेगा हो गया, यानी कुल मिलाकर के 256 ओमेगा आ गया। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की है, जरा राइट हैंड साइड की भी बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस है ओमेगा स्क्वायर है और माइनस 3 ओमेगा की घात 4 है। चलो देखते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें कितना हो गया ओमेगा एक पद में जोड़ा गया तो माइनस का 4 ओमेगा और कट दिया जाएगा, इसकी घात 4 जाएगी। तो ये तो 0 हो गया, 0 माइनस का 4 ओमेगा की घात कितनी हो गई 4 हो गई, तो ये तो सम घात हो गई, तो 4 की घात 4 जाएगी और ओमेगा की घात 4 जाएगी। 4 की घात 4 कितना होता है 256 होता है और ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर दीजिए इसे, तो 256 और गुणा 1 गुणा ओमेगा हो गया और ये कितना आ जाएगा 256 ओमेगा हो जाएगा। जरा ये देखिए, ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया और यहीं पे ये सिद्ध हो गया। अब तो कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है प्रश्न हमारे पास ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा वाई। चलिए इसमें क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई है और कितना है ये ओमेगा एक्स है प्लस का ओमेगा स्क्वायर वाई है और इधर है ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा वाई है। चलिए हल करना चालू करते हैं, तो एक्स प्लस वाई को तो कुछ मत करिए, इसकी गुणा करने चालू करो, ओमेगा के से गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एक तो और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसकी ओमेगा एक्स की ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अब ओमेगा एक्स की ओमेगा वाई से गुणा करेंगे तो एक तो एक्स वाई आ जाएगा और साथ में ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसकी भी गुणा करके देख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा की घात 4 हो जाएगी और एक्स वाई आ जाएगा, तो एक्स वाई ओमेगा की घात 4 हो गई। अब क्या बचा, लास्ट वाला बचा रह गया है तो प्लस का आ जाएगा, ये ओमेगा की घात 3 हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये गुणा हमने कर ली है, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब का मान हम 1 रखेंगे, ओमेगा की घात 4 का मान हम ओमेगा रखेंगे, ओमेगा की घात 5 का मान हम ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है, और एक और चीज है इसमें कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान हमें 0 रखना होता है। जरा देखते हैं क्या हो गया, ये x प्लस वाई तो ऐसे रहेगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओमेगा मतलब यहाँ पे क्यूब आना चाहिए था, देखो ये एक्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 3 आनी चाहिए यहाँ पे, इसका मान तो 1 हो गया तो 1 × एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ से देखो एक्स वाई है लेकिन ओमेगा स्क्वायर है प्लस एक्स वाई यहाँ ओमेगा की घात 4 है, ओमेगा की घात 4 का मतलब ओमेगा हो गया, ओमेगा क्यूब का मतलब 1 हो गया और क्यूब वाई स्क्वायर हो गया। चलिए थोड़ा सा और हल कर लेते हैं इसको, तो एक्स प्लस वाई हो गया और यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये एक्स वाई कॉमन लेंगे तो इसमें आता है ओमेगा स्क्वायर बच गया और 1 ओमेगा बच गया है और प्लस का यहाँ पे वाई स्क्वायर बच गया है। थोड़ा सा और हल करते हैं, तो एक्स प्लस वाई और यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस का ये एक्स वाई कॉमन ले लिया
लेकिन यहाँ क्या करना है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दिया तो वन ज्यादा हो गया, इसको माइनस वन कर दीजिए और प्लस का वाई स्क्वायर हो गया। ये एक्स प्लस वाई है और ये तो अब जीरो हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का एक्स वाई हो गया, यहाँ तो जीरो माइनस एक आ गया और प्लस का कितना आ गया वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे फिर देखिए एक्स प्लस वाई हो गया है और यहाँ क्या बचा आपका, अब ये जो बचा है एक्स प्लस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ये सूत्र है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का और यही अब क्या है राइट हैंड साइड है, ये सिद्ध हो गया। तो मेरे ख्याल से कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये सिद्ध करना है हमें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है तो वन प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर है प्लस ओमेगा की घात चार है और यहाँ कितना है वन प्लस फाइव है ओमेगा है और प्लस ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर है। ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले चुके हैं। अब इसमें हर एक जगह ध्यान रखना है बच्चों कि पहला तो यही है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो लेना होता है, ओमेगा क्यूब का मान वन लेना होता है, ओमेगा की घात चार का मान ओमेगा लेंगे और ओमेगा की घात पांच का मान हम ओमेगा स्क्वायर लेंगे। चलो देखो इसमें तो क्या हो जाएगा, ये पहले वन प्लस इसमें ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर इसको ऐसे रह लीजिए, ओमेगा की घात चार का मतलब कितना हो गया ओमेगा हो गया, ओमेगा लेंगे और यहाँ पर भी देखिए इसको सही करिए तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे चार ओमेगा और बचा रह गया। चलिए यहाँ पे देखिए तो ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ले लिया तो तीन चार और बचा रह गया। अब क्या होगा ये तो ये हो जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दिया तो चार ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी बच जाएगा, यहाँ से चार बच जाएगा पांच के नहीं है चार बच जाए यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा ये जीरो प्लस का चार ओमेगा हो गया, यहाँ क्या बचा जीरो प्लस का चार बच गया। अब यहाँ पर ये जीरो प्लस का फोर ओमेगा स्क्वायर हो गया और यहाँ क्या बचा फोर ओमेगा बच गया और यहाँ पे जो है फोर ही बचा रह गया। ये हो जाएगा चार चौक सोलह चौक चौसठ तो चौसठ हो गया और गुणा करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा। इसका मान कितना होता है ये चौसठ है और गुणा एक हो जाएगा तो कुल मिलाकर के ये चौसठ हो जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है और यही सिद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये अगला प्रश्न आ रहा है हमारा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ऐसी चल के हमारा टू एन गुण होता है इनका मान हमें एक सिद्ध करना है। चलो देखते हैं थोड़ा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं यहाँ पे तो वन प्लस ओमेगा है और दूसरे में क्या है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है, वन प्लस ओमेगा की घात चार है और वन प्लस ओमेगा की घात आठ है, ये कहां चलेगा टू एन पर होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें तो पहले हम इसमें क्या करेंगे ध्यान रखना बच्चों कि पहला काम तो हमारा यही होता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर छोड़ करके उसको जीरो करना, टू एन गुणनखंड होता है। चलिए देखते हैं आगे तो ये पहले क्या करना है प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने जोड़ दिया तो यही ओमेगा स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ऐसे इसमें वन प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर इसमें ओमेगा जोड़ा है तो ओमेगा आपको माइनस करना पड़ेगा। ऐसे अगले वाले में भी देख लीजिए क्या है ये वन प्लस ओमेगा की घात चार का मान कितना होता है क्योंकि आप लिख दे रहा हूँ ओमेगा क्यूब जो वन होता है ओमेगा की घात चार जो होता है वो ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा की घात पांच जो है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये तो ये हो जाएगा आपका कितना वन प्लस ओमेगा की घात चार कितना हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा और यहाँ पर वन प्लस ओमेगा की घात आठ है तो ओमेगा क्यूब और इसकी पावर दो कर दीजिए और ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए।
कहां तक जाएगा ये, टू एन गुणन खंडो तक जाएगा। यानी पद दो है इसके अंदर। चलिए देखिए ये तो हो गया जीरो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया जीरो माइनस ओमेगा और ये कितना बचा वन प्लस ओमेगा बच गया और ये जो बच जाएगा तो वन प्लस के इसका मान वन हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर भी बच जाएगा और ये चलता रहेगा कहां तक टू एन तक ये लिखते रहेंगे आप इसमें। अब आगे देखिए ये दो की गुणा करके हम एक बना देंगे ये कितना हो जाएगा ओमेगा टू हो जाएगा कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओमेगा क्यूब हो जाएगा और ये दो को मिलाकर के एक किया गया इन दोनों को एक मिला गया ऐसे इन दोनों को मिलाएंगे तो एक ही हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा क्यूब ऐसे चलता रहेगा कहां तक रह जाएगा ये अब ये एन गुणनखंड तक आ जाएगा। क्यों आ गया अंतर क्योंकि दो दो को मिलाकर के हमने एक किया लेकिन हर एक का मान तो एक ही है तो यहाँ एक ही एक आ जाएगा ये चलता रहेगा एन गुणनखंडों तक इसका मान एक हो जाएगा और एक ही हमारी राइट हैंड साइड है ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा क्या है ये हमारा एक और भी सिद्ध करना है तो इसमें ध्यान देना है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर कितना लाना है आपको तो अभी हमें पहले देखना पड़ेगा कैसे क्या करना है हम इसको। इसमें हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं शुरू में हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं कितना आ जाएगा ये तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ये तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे देखना पड़ेगा ये क्या है एक्स प्लस ओमेगा वाई है प्लस का ओमेगा स्क्वायर जेड है और यहाँ क्या है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई है प्लस ओमेगा जेड है। देखते हैं इसको हल करके जरा इस पहले वाले को तो कुछ नहीं करना है बच्चों ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि सूत्र बनना है इससे यहाँ पे जरा गुणा अच्छे से करनी पड़ेगी एक्स की गुणा एक्स से करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया एक्स की गुणा इससे करनी है तो एक तो एक्स वाई आएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर इसके साथ बच्चों एक्स की गुणा जेड के साथ करनी है तो प्लस का कितना आ जाएगा देखो ध्यान से एक्स और जेड आएगा और साथ में ओमेगा आ जाएगा एक्स जेड और ओमेगा। चलिए अब इसको वाई वाले की गुणा करनी है सारे टर्म तो प्लस की आएंगी तो ओमेगा वाई की गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा हो जाएगा एक्स वाई ओमेगा हो गया तो इसकी गुणा करनी है वाई स्क्वायर तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर हो गया फिर हमें जेड के साथ गुणा करने तो वाई जेड हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर देखो वाई जेड और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे वाई जेड हो गया और साथ में ओमेगा स्क्वायर हो गया तो वाई की गुणा हो गई अब जेड वाले की गुणा करके देखिए चलिए इसका ओमेगा स्क्वायर है और एक्स है तो एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर हो गया पहली गुणा हुई अभी दूसरी बात लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा वाई जेड और ओमेगा की घात चार हो जाएगा देखो वाई जेड हो गया और ओमेगा की घात चार हो जाएगा वाई जेड और ओमेगा की घात चार हो गया है और क्या बचा ये हो गया वाई जेड और इसके बाद एक और बता जेड की तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा लेकिन ओमेगा क्यूब हो जाएगा जेड स्क्वायर और ओमेगा क्यूब ध्यान रखना है बच्चों ओमेगा क्यूब यानी कि ओमेगा क्यूब का मान एक आना चाहिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की घात चार चार का मान ओमेगा आएगा और ओमेगा की घात पांच का मान ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा सबसे बड़ी चीज जो है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो रखना है इसमें इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने ले लिया यहाँ पे और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर है अब एक्स वाई वाले टर्म्स में हम सारी चीजें ढूंढ लेते हैं क्या क्या यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है एक्स वाई में और कहीं देखिए यहाँ से ओमेगा मिल रहा है और एक्स वाई कहीं है एक्स वाई कहीं और नहीं मिल रहा है चलो इतना हो गया। तो इसके बाद आ जाइए वाई जेड वाला तो वाई जेड ये हो गया वाई जेड में देखिए क्या क्या बच रहा है यहाँ से ढूंढना चालू करिए वाई जेड कहाँ यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है ये है वाई जेड इसका ओमेगा स्क्वायर हो गया और वाई जेड एक और है प्लस का ओमेगा की पावर फोर हो गया
वाई जेड के बाद आता है जेड एक्स का नंबर, जेड एक्स हमने ले लिया, जेड एक्स देखिए यहाँ कितना जेड एक्स लिया, ओमेगा एक को आ रहा है और जेड एक्स ढूंढ लेते हैं कहीं, जेड एक्स और ये है जेड एक्स तो ये कितना जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो गया और कुछ बचा जा रहा है देखो इसमें एक्स स्क्वायर हो गया है। चलिए वाई स्क्वायर को देखते हैं कहा है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर ये है प्लस का वाई स्क्वायर है और ओमेगा क्यूब है किसका मान एक हो जाएगा प्लस है। जेड को भी ढूंढ लीजिए कहीं जेड हो, ये जेड स्क्वायर और इसका ओमेगा क्यूब है तो जेड स्क्वायर ले लेते हैं और ओमेगा क्यूब का मान वन कर देते हैं। चलिए सारे टर्म्स इसके अंदर आ चुकी हैं, अब इसको और हल करना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया और यहाँ से क्या बचा बच्चों देखो एक्स स्क्वायर बच गया प्लस एक्स वाई है, इसमें क्या बचना है देखो इसमें पहले वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कर देना तो माइनस का वन करना पड़ेगा प्लस वाई कर देखिए इसमें क्या है ये ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की बात फोर का मतलब ओमेगा हो गया। अब इसमें आप वन जोड़ दीजिए और वन को ही माइनस कर दीजिए ऐसे यहाँ पे जेड एक्स है जेड एक्स में भी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर करना है तो इसमें भी एक ऐड किया है आपने तो वो माइनस कर दीजिए और प्लस का वाई स्क्वायर हो गया और साथ में जेड स्क्वायर हो गया। चलिए देखते हैं इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड है यहाँ पे यहाँ से क्या बचता है एक तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस का एक्स वाई हो गया इसका मान जीरो माइनस एक हो गया प्लस का वाई जेड हो गया इसका मान भी जीरो माइनस एक हो गया प्लस का जेड एक्स हो गया इसका मान भी जीरो माइनस एक हो गया और प्लस का वाई स्क्वायर हो गया और प्लस का जेड स्क्वायर हो गया। चलिए देख लेते हैं तो ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया और यहाँ जो बचा है जरा ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर को भी आगे ले लीजिए और जेड स्क्वायर को भी आगे ले लीजिए यहाँ से देखो माइनस का एक्स वाई बच जाएगा यहाँ से माइनस का वाई जेड बच जाएगा और माइनस का ही जेड एक्स बच जाएगा। अब ये सूत्र है हमारा किसका सूत्र है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का थ्री एक्स वाई जेड इसका ये सूत्र है और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है तो ये बच्चों सिद्ध हो गया तो इसका आप सिद्ध कर सकते हो आसानी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये हमारा अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है सिद्ध कीजिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर सिक्स एक्स वाई। तो इसमें भी हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड लेनी है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना पड़ेगा तो कितना है एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर है प्लस एक्स ओमेगा है प्लस का वाई ओमेगा स्क्वायर है इसका भी होल स्क्वायर है प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर है प्लस वाई ओमेगा है इसका भी होल स्क्वायर है। चलते हैं इसको हल करने की तरफ बढ़ते हैं तो ये स्क्वायर खोल लेते हैं इसका तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का टू एक्स वाई जाएगा ऐसे इसका भी स्क्वायर खोल लीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा की घात चार हो जाएगा और प्लस का टू एक्स वाई और ओमेगा की घात तीन हो जाएगी। चलिए इसको भी खोल दीजिए प्लस का ये कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा की घात चार हो जाएगी और प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा की घात टू हो जाएगी और ये प्लस का एक्स वाई करेंगे तो दो एक्स वाई आएगा और ओमेगा की घात तीन आ जाएगी प्लस का टू एक्स वाई और ओमेगा की घात तीन। चलिए यहाँ देखिए बच्चों ओमेगा टू का मान हमें वन रखना है ओमेगा फोर का मान हमें ओमेगा रखना है ओमेगा फाइव का मान है ओमेगा स्क्वायर रखना है और सबसे बड़ी चीज है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो रखना है। चलिए देखते हैं इसको हल करने के प्रयास करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर वाले को सबको इकट्ठा कर लीजिए और देखते हैं क्या एक्स स्क्वायर में दिया वन आ गया यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ रहा है इसको ओमेगा स्क्वायर होगी और एक्स स्क्वायर और दिखाई दे रहा है यहाँ प्लस का ओमेगा की पावर फोर है यहाँ ओमेगा की पावर फोर दिख रहा है और तो कहीं नहीं दिख रहा है
बंद कर देते हैं। अब आता है वाई स्क्वायर भी ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर देखो यहाँ से वन आ गया और इधर वाई स्क्वायर प्लस का ओमेगा की घात चार है यहाँ पे, और वाई स्क्वायर क्या दिखाई दे रहा है, ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर। और अब आता है टू एक्स वाई का मान, तो टू एक्स वाई यहाँ ले लीजिए, यहाँ पर कितना है एक्स वाई, तो यहाँ तो वन है बच्चों, और इसके बाद एक्स वाई देख लीजिए, ये एक्स वाई है तो ओमेगा टू है यहाँ, और एक और टू एक्स वाई यहाँ पर है, ये भी ओमेगा टू। चलिए रख देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर फोर का मान यहाँ ओमेगा होता है, मैंने पहले बताया था इसको ओमेगा लिख दीजिए। वाई स्क्वायर है इसमें भी वन प्लस ओमेगा की पावर फोर का मतलब ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया प्लस का टू एक्स वाई, यहाँ पे वन प्लस वन तीनों ओमेगा क्यूब का मान वन होता है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका मान जीरो हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इसका मान भी जीरो हो गया, और प्लस का ये हो गया दो एक्स वाई गुणा तीन, ये तो जीरो प्लस जीरो और प्लस का सिक्स एक्स वाई हो गया, कुल मिलाकर के सिक्स एक्स वाई आ गया यहाँ पे, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, और यही सिद्ध हो जाता है बच्चों। ये आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसे। चलिए आगे देखते हैं, ये भी एक और प्रश्न आ गया आपका, इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड ही लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ए प्लस ओमेगा बी है प्लस का ओमेगा स्क्वायर सी है, और इधर है ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी है प्लस ओमेगा सी है। चलिए इसकी सिंपल गुणाकारनी है, पहले ए की गुणाई से करेंगे कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए की गुणाई से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, साथ में ए भी आएगा, तो ए भी ओमेगा स्क्वायर हो गया। चलिए दो की गुणाई में तीसरी बार आ गया है ये सी के साथ, तो ए सी आ जाएगा और ओमेगा आ जाएगा प्लस का ए सी और ओमेगा आ जाएगा। चलिए बी वाले बीच वाले की गुणाकारनी है, तो ओमेगा बी है इसकी गुणा ए से करेंगे तो ए बी ओमेगा हो जाएगा, तो ए बी ओमेगा लिख दीजिए, फिर इसकी की गुणा इसका बी स्क्वायर आएगा और ओमेगा क्यूब हो जाएगा, बी स्क्वायर आ गया देखो यहाँ से, और ओमेगा की घात बी हो जाएगा। ऐसे ही आपका इसमें बी सी आएगा, बी सी आ जाएगा देखो ध्यान से, और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अब इसकी बात करनी है सी वाले की, तो ओमेगा स्क्वायर सी की करेंगे ए सी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ए सी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर सी की गुणा इससे करेंगे ओमेगा स्क्वायर बी से, तो ओमेगा की घात चार हो जाएगा और बी सी आ जाएगा, प्लस बी सी हो गया और ओमेगा की घात चार हो गई। चलिए ठीक है, इसके बाद एक लास्ट रह गया है, तो ये सी स्क्वायर आएगा और ओमेगा की घात के हो जाएगा, तो सी स्क्वायर और ओमेगा की घात के, मैं करना की याद क्या रखना है, ओमेगा क्यूब का मान वन रखना है, ओमेगा फोर का मान कितना रखना है ओमेगा रखना है, ओमेगा फाइव का मान जो है ओमेगा स्क्वायर रखना है, और सबसे बड़ी चीज है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो रखना है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ऐसे रहेगा अकेला ये बेचारा, इसके बाद और देखते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पर है ओमेगा क्यूब है और सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब है, इन तीनों को इन दोनों को यहाँ लिख देते हैं शुरू में, ओमेगा क्यूब का मान हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर इंटू वन प्लस का सी स्क्वायर इंटू वन ले दिया, ये दोनों ले दिया हमने। अब जो बीच के बचते हैं लेना है, पहले हमें ए बी लेना है, तो यहाँ पे प्लस का ए बी कर दीजिए, तो देखिये ए के बी ये है तो इसका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और कहीं देखते हैं एक ये भी यहाँ पर है तो प्लस का इसमें ओमेगा आ जाएगा, और भी कहीं ये भी दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा है, तो बंद कर दीजिए, प्लस का बी सी ले लीजिए, तो बी सी जरा देखिए कहाँ आ रहा है, बी सी बी सी ये है ओमेगा स्क्वायर है, और किसी का है एक और ये है ओमेगा की घात चार है, बी सी के बाद आता है ए सी या सी ए जिसको कहते हैं, प्लस का सी ए लिख लीजिए, कहाँ कहाँ है सी ए, ये है आपका एक ओमेगा आएगा, और कहाँ सी ए है एक ये है आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, सारी टर्म्स हो चुकी है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ तो ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया प्लस का सी स्क्वायर हो गया,
अब यहाँ बच्चा है ओमेगा, ये भी बच गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो गया 1 पास टू कर दिया तो माइनस का 1 करके कैंसिल कर दीजिए। ऐसे बी सी है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा की घात 4 का मतलब ओमेगा होता है, और इसमें क्या कर रहे हैं हम प्लस का 1 कर रहे हैं माइनस का 1 कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे आप सी ए है, इसमें भी क्या करना है हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करना है और माइनस का ए कर देंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर बच गया, प्लस का बी स्क्वायर बच गया, प्लस का सी स्क्वायर बच गया और प्लस का ए भी बचा, यहाँ इसका मान 0 हो गया और माइनस का 1 हो गया, फिर प्लस का बी सी बचा हुआ है, यहाँ पे इसका मान 0 हो गया और ये माइनस का 1 बच गया, और प्लस का सी ए बचा हुआ है इसमें भी 0 माइनस 1 हो जाएगा। चलिए क्या हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस का बी स्क्वायर हो गया, प्लस का सी स्क्वायर हो गया, माइनस का ए भी आ गया और माइनस का ही ये बी सी हो गया और माइनस का ही सी ए हो गया जो कि ऊपर दिया हुआ है, और यही हमारी क्या हो गई राइट हैंड साइड हो गई, और यही हमें सिद्ध करना हो गया, तो ये हमारा सिद्ध हो जाता है यार। इस वीडियो में आपका यही तक रहेगा केवल, और अगले प्रश्न में अगले नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा आपको, तब तक के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या बना के भेजना मुझे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। ये क्लास बच्चों कंटिन्यू चलती रहेगी, इसके क्वेश्चन कंटिन्यू डेली आपको डालते रहूंगा मैं, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा और बड़े अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा तो मेरे को बताने का प्रयास करेंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।